भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बंगला बनवाया है उसमें सरकार का नहीं बल्कि अपना पैसा लगवाया है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के पैसों से आलीशान घर बनवा लेते हैं और उनके पैसे से और उनके घर में एक चारपाई तक नहीं होती और उनकी बीवी की डिजाइनर सोफे की डिमांड होती है। ये बात उन्होंने सरकारी बंगले की बात पर तो बोला ही, जाहिर सी बात है उन्होंने अपोजिशन पर भी निशाना साधते हुए ये बात बोली थी। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुलकर तारीफ करते हुए भी नजर आई। इसके पहले भी उन्होंने सिंधिया की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उमा भारती ने सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा था कि कांग्रेस के पास हीरा था, लेकिन कांग्रेस को इस हीरे की कोई कदर नहीं हुई और उन्होंने वो हीरा गवा दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और कांग्रेस की सरकार गिराई और हीरा कांग्रेस का हमारे पास आ गया और हमारी सरकार बना दी। उमा भारती ने दल बदलू नेताओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उमा भारती ने एक तरफ दल बदलने वाले नेताओं को सौदागर कह रही थी और वो दूसरी तरफ कांग्रेस में बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को तरफदारी करते हुए उन्हें हीरा बता रही थी। उमा भारती का कहना है कि जो इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, दरअसल वो नेता नहीं होते बल्कि सौदागर होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने को लेकर उमा भारती ने कमलनाथ पर ठीकरा फोड़ दिया था। उमा भारती ने कहा कि जैसे कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बगावत करने पर मजबूर किया, ठीक वैसे ही उनकी दादी विजयाराजे सिंधिया को भी बगावत करने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। उमा भारती ने सिंधिया के बगावत को दल बदल से अलग विषय मानते हुए यह दलील दे रही थी कि चुनाव के समय जो नेता टिकट के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वह गलत है। पूरे देश में विपक्ष की एकजुटता पर तंज कसते हुए उमा भारती ने ये बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह विपक्ष मिलियन वर्ष दूर है। उन्होंने कहा कि क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी का नेतृत्व देश स्वीकार कर पाएगा या अभी मोदी जी से मिलियन वर्ष दूर खड़े हैं। मोदी जी का इनसे कोई मुकाबला है ही नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।